तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। डॉक्टर हिमता राम भाभू, समाज सेवा, पर्यावरण। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। पद्म पुरस्कार के रेड कार्पेट पर नंगे पैरों के साथ बढ़ती हुई तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर आज हर हिंदुस्तानी के दिल में अंकित हो गई है। तुलसी गौड़ा आदिवासी समुदाय से आती है और जंगल को अपना घर और पेड़ पौधों को अपनी संतान समझती है। यही वजह है कि 72 साल की तुलसी गौड़ा को जंगल में पैदा होने वाली वनस्पति, औषधि और पेड़ पौधों की पूरी समझ है। कौन सा पौधा किस काम में आ सकता है, इसके बारे में तुलसी जी के पास पूरी और पक्की जानकारी है। पेड़ पौधों से मिलने वाले फायदे को देखकर तुलसी जी ने 12 साल की उम्र में शौकिया तौर पर पौधे लगाने का काम शुरू किया, जो एक मिशन बन गया। कर्नाटक के जंगलों में तुलसी गौड़ा के लगाए हुए करीब 30,000 से ज्यादा पेड़ पौधे आज पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तुलसी गौड़ा के पास आज जंगल विभाग की कई नर्सरी की जिम्मेदारी भी है। इनके सादगी भरे सामान्य जीवन और ऊंची सोच की वजह से सरकार ने तुलसी जी को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। डॉक्टर हिमताराम भाभू, समाज सेवा, पर्यावरण। पर्यावरण के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले राजस्थान के हिमताराम भाभू से मिले। मरुभूमि में पेड़ पौधे लगाने का हिम्मत भरा काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में हिमताराम करीब 5,00,000 पेड़ पौधे लगा चुके हैं। हिमताराम ने ज्यादातर पौधे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और सीकर जैसे सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में लगाए हैं। अपने पेड़ लगाने के शौक को एक मुहिम बनाने के लिए हिमताराम ने नागौर जिले के अपने गांव हरिमा में 6 एकड़ का एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाया है। रेगिस्तान को हरा भरा करने की इस पॉजिटिव जिद की वजह से सरकार ने हिमताराम को पद्मश्री से सम्मानित किया है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज इसकी जीती जागती मिसाल भी देख लीजिए। मैंगलोर की सड़कों पर फल बेचने वाले हरे काला हजब्बा ने स्कूल खोलने का सपना देखा और इसे सच करके दिखाया। जबकि हरे काला जी खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन स्कूल खोलने का इरादा दिल को चुभने वाली एक घटना ने पक्का कर दिया। कुछ वर्ष पहले मैंगलोर की सड़क पर एक विदेशी पर्यटक ने अंग्रेजी में संतरे के भाव के बारे में पूछ लिया। हरे काला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस घटना के बाद हरे काला को अपने निरक्षर होने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का संकल्प लिया